आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती यानी कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को मनाने के भाग रूप वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा शहर के महात्मा गांधी नगर ग्रह स्थित आई हुई उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें बापू या महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, आज उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाते हुए आज विशेष पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था, जहां इनके दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व भर में उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए वे जाने जाते हैं, जहां वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाने के भाग रूप आज वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा की मेयर पिंकीबेन सोनी सहित वडोदरा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री सहित कई महानुभावों द्वारा आज बैंड बाजे के साथ शहर के जुबली बाग स्थित आई महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। ईस्वी सन 1869 में आदरणीय बापूजी नो जन्म थयो हतो। सत्य अने अहिंसा ना पाठ शीखवा साथे स्वनिरीक्षण अने स्वावलंबन ए देश दुनिया अने विश्व में सबने शीखवाड्या। ज्यारे तेओ आफ्रिका में भणवा माटे गया था, अभ्यास अर्थे गया था, त्यारे एमने चालू ट्रेन माथी रंगभेद ने कारणे उतारी पाडवामां आव्या था। त्यारे एमने त्यां पण रंगभेद नी नीति नो विरोध कर्यो हतो। मीठानो सत्याग्रह करी अने मीठा पर लगायेला कायदा ने दूर कर्यो। देश अने दुनिया में जयरे आपनो देश लगभग 1000-1500 वर्ष सुधी गुलामी में सबड़तो हतो, त्यारे भारत देश ना दरेक नागरिक ने पोते ज्यां छे पोते जे पण रोजगारी करी रह्यो छे, जे पण काम करी रह्यो छे, ए काम करता करता ज केवी रीते देश नी आजादी नी लड़त में પોતાનું ઉત્તમ અનુપમ યોગદાન આપી શકે છે એ માટે એમને પોતા દરેક વ્યક્તિને પોતાની અંદર વિશ્વાસ જગાડતા શીખવાડ્યું અને એ આત્મવિશ્વાસ સાથે ગાંધીજીમાં એક અનોખી શક્તિ હતી કે જે લોકોને પોતાની સાથે જોડીને અને લોકો પણ એમની સાથે જોડાવાનું પસંદ કરતા હતા, એટલે કે કહી શકાય કે લોક સંગ્રાહક હતા એ, એ બધાને સાથે રાખી સાથે જોડી અને ઉત્તમ અનુપમ વિચારો સાથે સત્ય અને અહિંસા દ્વારા આપણા દેશને આઝાદી અપાવનાર મહાન વિભૂતિના આજે જન્મજયંતિ નિમિત્તે એમને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ। સાથે સાથે આદરણીય વડાપ્રધાનભાઈ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ ગાંધીજીના જન્મજયંતિની પૂર્વ સંધ્યાએ એટલે કે 1 ઓક્ટોબરથી સ્વચ્છાંજલિનો કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં ગઈકાલથી લઈ અને પખવાડિયા એટલે કે 15 દિવસ સુધી સ્વચ્છ ભારત મિશનનું કાર્યક્રમ પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું।